हाय मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और बहुत अलग सा टॉपिक। प्याज आप देख रहे हैं मेरे सामने हैं, आपको रंगीन प्याज नहीं दिखेगा पर इसमें मिट्टी लगा हुआ आपको प्याज दिख जाएगा, ठीक है। और इस प्याज का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे अभी तक आप बुक का अनबॉक्सिंग देखते थे, फ़ोन का अनबॉक्सिंग देखते थे, हेडफोन का अनबॉक्सिंग देखते थे, ठीक है, और भी कोई उपयोगी सामग्री होता था उसका मैं अनबॉक्सिंग करता था। लेकिन आज मैं इस प्याज का अनबॉक्सिंग करूँगा। तो सबसे पहले इस प्याज के बारे में बताता हूँ। ये प्याज जो है मेरे द्वार पे कुछ ज़मीनें हैं उस पर मैंने इसको बोया हुआ था। अभी ये एक छेटी दिखाई दे रहा है, इसको लगभग तोलेंगे तो 20 केजी तक बता सकते हैं, ठीक है, फिर मान के चलिए 15 केजी तक हो सकता है, ठीक है, 15-20 केजी निकला है। तो इस प्याज को मैंने कैसे खेती किया हूँ और इस प्याज का क्या गुणवत्ता रहेगा, ठीक है, कैसे खेती करेंगे तो आपको प्याज की उपज ज़्यादा होगी, ठीक है, बड़े पैमाने पर कैसे खेती करना है, सो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिर भी कोई टॉपिक छूट जाएगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर से या मैसेज के थ्रू बात करके या कमेंट के थ्रू हमसे हेल्प ले सकते हैं या अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्याज है अभी आपको माटी वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, माटी वाला मैंने इसे अभी साफ़ नहीं किया हूँ, साफ कर सकता था लेकिन मैं इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको एक्चुअल में लगे कि मुझे मेरे अपने द्वार पे इसको उगाया गया है, मतलब इसको इसका प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन इसका हुआ है हमारे द्वार पे, ठीक है, इसलिए मिट्टी लगा हुआ आपको दिखाए हैं, ठीक है, साफ कर देंगे तो ये चिकना हो जाएगा लेकिन मैं इसे साफ नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बस मैं इसे अपने घर में रख दूँगा और ये जो मिट्टी सब है मिट्टी सूखेगा, हल्का होगा, ऑटोमेटिक मिट्टी हट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि ये प्याज है और मार्केट का प्याज होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। इस प्याज में है कि इसमें साइज आपका छोटा है, मार्केट की तुलना में इसका साइज छोटा है, बात सही है। अगर मैं इसको बढ़िया तरह से और समय छोटा तो ये बड़ा हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए छोटा ही काट लिया हूँ क्योंकि और भी मुझे कुछ बोने थे, इसलिए ज़मीन खाली करना जरूरी था, ठीक है, इसलिए मैंने इतने ही साइज का इस प्याज को काटा हूँ, ठीक है। तो मार्केट के तुलना में इसका साइज छोटा है, पर मार्केट जो प्याज होता है एक तो होगा उस प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी उसका अलग टाइप का मिलता है, आप अगर ध्यानपूर्वक खा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मार्केट का प्याज जो होता है उसमें पहली बात है कि उसको हमेशा धूप में रखा जाता है, इसका उसमें जो सेंट होता है, गमक जो बोलते हैं, सुगंध, वो सब जल्दी जल्दी मिटते जाता, ख़त्म होते जाता है, ठीक है। और उसमें गर्मी उसको इतना टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, मार्केट के रहता तो डायरेक्ट उसको सनलाइट मिलता है, इस कारण वो जल्दी ख़राब होने की चांस रहता है। और उस मार्केट के प्याज को लाकर अपने घर पर रख देंगे तो वो प्याज जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा, वो जल्दी नमी उसे पकड़ लेगा, गीलापन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है घर का है, ये पूरा बज्जा बज्जा आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसका टेस्ट अलग रहेगा, प्योर नेचुरल जो बोलते हैं ना उस टाइप से। और मार्केट के प्याज जो होता है वो एक तरह से हाइब्रिड दूसरे किस्म का पेड़ आता है और उसमें तरह तरह के कीटनाशक दवाइयाँ रासायनिक पदार्थ छिटा हुआ रहता है। लेकिन मैं सचमुच कर रहा हूँ, मैं कसम क्या बोलते कि पूरा 100% स्योरिटी के साथ कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी मैं कीटनाशक दवा नहीं छिटा हूँ और नहीं किसी प्रकार का क्या बोलते केमिकल नहीं छिटा हूँ। बस इसको मार्केट से खरीद कर लाया था, बिया भी मैं ज़्यादा नहीं खरीदा था, 60 रुपये का बिया खरीदा था, 10 रुपये किलो दिया था, यानी कि 6 किलो लाया था 60 रुपये का, उसको मैंने बो दिया था और करीब मानिए कितना समय ऐसा तो एक्यूरेट मुझे नहीं याद है, फिर भी 3 महीने समय 3 या 6 महीने हो चुके होंगे। इसको बस शुरू में पानी दिया हुआ था, ठीक है, पानी इसलिए दिया था कि यह सूख नहीं जाए। फिर इसके जैसे इसकी पेड़ की लंबाई बढ़ते गया मैंने इसका जो पानी देना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ गांव वाले बोलते थे और मेरे अनुसार कि पानी देने से इसका जो पेड़ की लंबाई हो वो बढ़ेगा लेकिन ये फल जो है ये मोटा नहीं होगा, यानी कि जड़ जो है वो मोटा नहीं होगा, बस इसका पेड़ हो मोटा हो पतला कह दें लंबा होते जाएगा। तो मेरे पेड़ से मतलब नहीं था, मेन हमको जड़ यानी कि फल से मतलब था, यानी कि जड़ से मतलब था, इसका तना बोलते हैं इसको, ठीक है। और आके सामने इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना सारा प्याज है, और ये प्याज मैं बेचूँगा नहीं, ठीक है, इस प्याज को मैं रख दूंगा और ये प्याज हर साल मैं करता हूँ, ठीक है, और इस प्याज को मैं रख दूंगा, होली हो, दशहरा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई पर्व त्यौहार है, सब में इसका उपयोग होगा, डेली में खाना बनता है सब्जी तो उसमें भी इसका इस प्याज का इस्तेमाल होगा,
ठीक है, और ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपको ये लग रहा हो कि बेनिफिट कितना हुआ, यानी कि मैं इतना एक छैटी जो है प्याज, इसको छैटी बोलते हैं, तो एक छैटी प्याज उत्पादन हुआ है तो इससे मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है, कि मैं तो अपना टाइम भी वेस्ट किया हूँ, तैयार खेती तैयार करने में भी टाइम इन्वेस्ट, पैसे इन्वेस्ट, मेहनत सब कुछ लगा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है आप एक्चुअल में देखेंगे तो। पहली बात एक्चुअल में है कि बाजार से मार्केट खरीदिए तो वो आपका मेहनत का नहीं होगा, लेकिन ये आपके मेहनत का है, इसको खाइएगा तो अलग सा ही स्वाद आपको मिलेगा, अलग सा ही आनंद लगेगा, क्योंकि मेहनत का कोई भी फल खाते हैं और भी खुद अपना मेहनत का तो आनंद ही कुछ और रहता है, ठीक है। तो इसको खुद मैंने अपने अपने हाथों से उगाया हूँ, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर भी हेल्प किए हैं मिट्टी को तैयार करने में, पानी पटाने में, ठीक है, सब कुछ करने में, और बिया तो मैं ही खरीद कर लाया हुआ था, मार्केट से खरीद कर लाया था, बस 6 किलो बिया ला था, 60 रुपये लगा था मुझे, और आधा क्या बोल सकते हैं, आधा एक घंटा खेत को क्या बोलते हैं, खेत नहीं द्वार को तामने उमने में, यानी कि खेत को तैयार करने में लग गया, ठीक है। तो 60 रुपये और एक घंटा लगा, और रोज मानिए ना मोटर है, क्या बोलते हैं, बिहार जल योजना की तरफ से नल लगा हुआ है, सिर्फ पानी जोड़ कर, पानी तो जुड़ा क्या सॉरी पाइप तो जुड़ा रहता है, बस नल क्या बोलते हैं, नल जो चालू कर देता हूँ पानी पड़ते रहता है, बस कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, बस ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, प्याज इतना सारा हो चुका है। और ये है प्याज सस्ता, अभी तो सस्ता चल रहा है मार्केट में, 15-20 रुपये भी चल रहा है, लेकिन इसका दाम कब बढ़ जाता है कब घट जाता है कोई नहीं कह सकता, ठीक है। कहने मतलब प्याज की संख्या कम होता है, यानी कि इसका जो मात्रा जो है मार्केट में कम होता है, इसका दाम जो बढ़ जाता है, जैसे होली में आ जाएगा, ठीक है, या प्याज कमी हो तो उस समय 100 रुपये तक प्याज चला जाता है, 140 रुपये तक चला जाता है, तो 140 रुपये देख सकते हैं, या 50 रुपये जोड़ कर इसका दाम कितना का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15-20 किलो होगा पता नहीं, फिर भी देखिए उठा के देखते हैं उठ जाएगा, वही 15-20 किलो है अभी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट मानिए 15 है तो 15 दहाई 150-300 रुपये, यानी कि 240 रुपये कुछ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से इसको देखा जाए, रख दिया जाए, और इसी को मैं और भी बड़ी लेवल पे खेती कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि 1 कट्ठा अभी तो मैं 10 दूर से बहुत कम बोया हुआ था, ठीक है, 6 किलो जानते हैं कितना मोटा मोटा बीज रहता है, अगर मैं बड़े लेवल पर इसका खेती करूँगा तो समझ सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा, मतलब अभी इसको खेती करके अभी बेचूँगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसके लिए मार्केटिंग होता है, जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा यानी कि जब मार्केट में प्याज की कमी आ जाएगी तब उस समय इसको बेचा जाएगा तो ये महंगे दाम बिकाएगा, और उस समय क्या होगा कि हज़ारों में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, लाख भी बोल सकता हूँ, लेकिन उस बड़े पैमाने पर खेती करना पड़ेगा। तो आपको किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चलिए धन्यवाद।